हेलो दोस्तों, आज हम आपको बॉलीवुड के फेमस एक्टर और डायरेक्टर तीनू आनंद सर के डायरेक्टर करियर के बारे में बताएंगे। तीनू आनंद ने 1989 में आई मूवी दुनिया मेरी जेब में से अपने डायरेक्टर करियर की शुरुआत की थी। इस मूवी के राइटर भी थे तीनू आनंद। इस मूवी के लीड कास्ट में शशि कपूर, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, आगा, रंजीत, राज मेहरा और सुधीर शामिल थे। इस मूवी का बजट 1,50,00,000 रहा। भारत में कमाई 1,50,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 3,00,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी ब्लो एवरेज रही। 1981 में तीनू आनंद की मूवी आई कालिया। इस मूवी के लीड कास्ट में अमिताभ बच्चन, परवीन बोबी, आशा पारेख, अमजद खान, प्राण और केएन सिंह शामिल थे। इस मूवी का बजट 2,50,00,000 रहा। भारत में कमाई 3,75,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 7,50,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी अबव एवरेज रही। 1984 में तीनू आनंद की मूवी आई ये इश्क नहीं आसान। इस मूवी के लीड कास्ट में ऋषि कपूर, असरानी, दीप्ति नवल, इफ्तिकार और पद्मनी कोल्हापुरी शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। 1988 में तीनू आनंद की मूवी आई शहंशाह। इस मूवी के लीड कास्ट में अमिताभ बच्चन, मीनाक्षी सादरी, अमजद खान, कादर खान और अमरीश पुरी शामिल थे। इस मूवी का बजट 3,00,00,000 रहा। भारत में कमाई 6,00,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 12,00,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी सुपरहिट रही। 1989 में तीनू आनंद की मूवी आई मैं आजाद हूँ। इस मूवी के लीड कास्ट में अमिताभ बच्चन, शबाना आजमी, अनुपम खेर, मनमोहन सिंह और अमित पिचानी शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। तीनू आनंद के डायरेक्शन में बनने वाली मूवी शनाखत। इस मूवी के लीड कास्ट में अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, माधवी शामिल थे। 1989 में शूट होने वाली यह मूवी फाइनेंस की कमी की वजह से बंद हुई और यह आज तक रिलीज नहीं हो सकी। 1991 में तीनू आनंद की मूवी आई जीना तेरी गली में। इस मूवी के लीड कास्ट में सूरज, कविता कपूर और अनीता नागिया शामिल थे, लेकिन इस मूवी का कलेक्शन या बजट कहीं पर अवेलेबल नहीं है। तीनू आनंद के डायरेक्शन में बनने वाली मूवी मुट्ठी भर जमीन। इस मूवी के लीड कास्ट में कुमार गौरव, पूनम ढिल्लों, विकास आनंद और डैनी शामिल थे और यह 1996 में बनने वाली मूवी किसी कारणवश इसकी शूटिंग रुकी और यह आज तक रिलीज नहीं हो सकी। 1998 में तीनू आनंद की मूवी आई मेदर साहब। इस मूवी के लीड कास्ट में अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, सोनाली बेंद्रे, राखी मल्होत्रा, नवीन निश्चल और नफीसा अली शामिल थे। इस मूवी का बजट 8,75,00,000 रहा। भारत में कमाई 13,10,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 20,01,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी सेमी हिट रही। 2003 में तीनू आनंद की मूवी आई एक हिंदुस्तानी। इस मूवी के लीड कास्ट में सुनील शेट्टी, रवीना टंडन, मोहन जोशी, प्राण और मोनिस बैल शामिल थे। इस मूवी का बजट 3,75,00,000 रहा। भारत में कमाई 1,05,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 1,85,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही और यही अब तक की तीनू आनंद सर की डायरेक्ट की हुई आखिरी मूवी साबित हुई है। दोस्तों, आपको तीनू आनंद सर का डायरेक्टर करियर कैसा लगा और आने वाली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में बताएं। साथ में हमारे चैनल होल मूवी कलेक्शन को सब्सक्राइब करें प्लीज दोस्तों। थैंक यू।